हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस दी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके, देखो स्टूडेंट, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट आपका जो है टॉपिक, जो आपका मीनिंग है, ठीक है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारा डेटा होता है हमारे बिजनेस में, उसको हम रिकॉर्डिंग और रिकाउंट करते हैं, ठीक है, उसको समराइज्ड फॉर्म में करते हैं हम. ओके, देखो यहाँ पर मीनिंग डिफाइन है स्टूडेंट. अकाउंटिंग इज़ डिफाइंड एज either recording or recounting the information of the business enterprise transpired during the specific period in the summarized form. ठीक है, accounting को हमने define किया हुआ है recording करो या recount करो information को, ठीक है, business enterprise की, और हमें एक specific period के लिए उसे summarized form में करना होता है. अब देखो student, हमारा accounting जो है वो हमारा तीन part में डिवाइड होता है, ठीक है, हमारा अकाउंटिंग जो फंक्शन है तीन पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड समराइजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट, हम डेटा को हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी हमारे पास डेटा होता है हम रिकॉर्ड करते हैं. सेकंड उसको हम क्लासीफाइंग करते हैं, ठीक है, एंड थर्ड हम उसको करते हैं समराइज करते हैं. अब देखो स्टूडेंट, ये सारा हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, मतलब मॉनेटरी टर्म के होने चाहिए. जितने फाइनेंशियल नेचर, जितने फाइनेंशियल टर्म, मॉनेटरी टर्म के होंगे, उन्हीं को ही आप डेटा लेंगे आप अकाउंटिंग में. ओके, नॉन मॉनेटरी टर्म को नहीं लेंगे. अब देखो स्टूडेंट, अकाउंटिंग इज़ नॉट एन इक्वलेंट फंक्शन टू बुक कीपिंग. यहाँ पर अकाउंटिंग जो है ये हमारी बुक कीपिंग के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि बुक कीपिंग क्या होती है स्टूडेंट. देखो बुक कीपिंग क्या होती है कि हमें एक, मतलब एक, मान लो आपको कोई छोटा शॉपकीपर होते हैं, जो शॉपकीपर एक रजिस्टर वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, अपडेट करते हैं ओनली, वो डेटा क्या करते हैं, सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, ठीक है. तो बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्डिंग, ओनली अपडेशन, ठीक है. बट अकाउंटिंग क्या है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, समराइज करना, रिकाउंट करना, ठीक है, ऑल ऑफ. तो अकाउंटिंग जो है हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बट बुक कीपिंग जो है हमारा एक नैरो कॉन्सेप्ट है. ओके, अब देखो स्टूडेंट, अकाउंटिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट हमारे क्या क्या अकाउंटिंग के प्रोसेस में आता है. फर्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग, ठीक है, हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन, जितना भी हमारा डेटा होता है हमारे बिजनेस में, सारा रिकॉर्डिंग किया जाता है. सेकेंड क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर समराइजिंग, ठीक है, किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ठीक है. हमें यूज़, मतलब जिस जिस पर्पज़ के लिए चाहिए उसे हम यूज़ करते हैं. अब देखो स्टूडेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एसोसिएशन डिफाइन द टर्म. ये अकाउंटिंग के टर्म को क्या बताया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड फाइनली रिजल्ट आर इंटरप्रिटेटेड. ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटिंग. ओके, अब अकाउंटिंग की हमारी क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है. इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन विच आर नॉन फाइनेंशियल इन कैरेक्टर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. आपके अकाउंटिंग में स्टूडेंट, जो नॉन फाइनेंशियल, जो नॉन मॉनेटरी टर्म के कैरेक्टर के होते हैं, उनको आप रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में. ओके, सेकेंड, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड आइदर इंडिविजुअली. जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट, वो इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अब वो हमारे सारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं. यूज़र्स शुड बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन. जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उसको हम वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को, उन्हें जब जब उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमसे, मतलब अकाउंटिंग के पर्पज़ से मांग सकते हैं. अब देखो स्टूडेंट, यूज़र्स में कौन कौन होता है हमारा, मैनेजर, ऑनर, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, लैंडर, ठीक है, लोनर, समथिंग, कोई भी, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है. अब देखो स्टूडेंट, हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ये चार्ट गिवन है हमें, ठीक है. इसमें देखो स्टूडेंट, हमारा वही प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा रिकॉर्डिंग, ग्रुपिंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन. ओके, रिकॉर्डिंग में क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है. सेकेंड आपको प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, ठीक है. फोर्थ हमारा, ये हमारा सारा क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया. मेन सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा डेटा किस से लिंक कर रहा है, ठीक है. बिजनेस ट्रांजेक्शन को फिर के लिए हमें फिर प्रिपेयर करना है हमारे डेटा को, फिर उसके बाद हम जनरल करेंगे, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का होता है, जनरल एंट्री करना. फिर ग्रुपिंग का मतलब हमें लेज़र, लेज़र में पोस्ट करना है, मीन अकाउंटिंग प्रॉपर बनाने हैं हमें. समराइज़ करना है, मीन हमें उसका
ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम अनएडजस्टेड बनाते हैं, ठीक है। मान लो एडजस्टेड ही बन सकता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई पॉइंट छूट गया, आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं की है, तो आपका वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। फिर आप उसमें क्या करेंगे, वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, फिर आपका फाइनल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बाद लास्ट आपकी बैलेंस शीट बनती है। ओके स्टूडेंट, अब देखो ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, एंड बैलेंस शीट में हम अपने फर्म की, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।